ये बदतमीजी करनी चाहिए क्या भाई साहब? ये पता आपको पता है? कितना समय हुआ मुंबई आए हुए? अभी 4 घंटे हुए हैं। अच्छा, गनीमत है। पिछले 4 साल से हम ये पता ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिला। कैसे मिलेगा? ये पता मुंबई में हो तब तो मिले ना। तो फिर आप मुंबई में ढूंढ क्या रहे हैं? हम उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसने हमें ये पता दिया। वो रहा। अबे रुक। हे भगवान, इससे पहले कि हम भी इसकी तरह पागल हो जाए, हमें हरपाल भैया का पता ढूंढवा दे रहे। प्रभु को धक्का मारा रहे। अरे क्षमा करना प्रभु, कौन हो यार? क्षमा कर दीजिए भाई साहब, गलती हो गई। अरे हरपाल भैया आप? ओ राजू तू? अरे हम आप ही को तो ढूंढ रहे थे। अरे अरे हम भी बहुत हैप्पी है। मेरा नाम ही हैप्पी है यार। अरे आप हरपाल से हैप्पी कब हो गए? यार कहानी बहुत लंबी है, पर तेरे को शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बताता हूँ। वो क्या है, मुंबई में है ना टेंशन बहुत है यार। यहाँ पे पैदल चलने वाले को साइकिल की टेंशन है, और साइकिल वाले को स्कूटर की टेंशन है, और स्कूटर वाले को कार की टेंशन है, और कार वाले को बस की टेंशन है, और बस वाले को ट्रेन की टेंशन है, और ट्रेन वाले को प्लेन की टेंशन है, और आजकल तो प्लेन वाले को प्लेन की भी टेंशन है यार। आप कुछ बोल रहे थे? और मैं बोल ये रहा था कि एक दिन मैं लैंकिंग रोड में जा रहा था, तो मैंने टीवी पर देखा कि अपने अमिताभ बच्चन साहब है ना गाना गा रहे थे। वो कह रहे थे डोंट वरी बी हैप्पी। तो बस उस दिन मैंने सोच लिया, और हरपाल ओ वरी को रख जेब विच, तो हैप्पी को रख फेस विच। अच्छा। और पाल से हैप्पी सिंह बन गया। चलिए। और गुड मेल दी लालटेन, ये बता तू मुंबई क्यों आया?